बात याद रखना, ये सब मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसका नाजायज फायदा ना उठा। और जिस बंदे ने जरूरत के वक्त फायदा ना उठाया वह बंदा ही क्या। हाँ वो मूवी नहीं थी दैट सैफ अली खान वाली, लव के लिए सारा कुछ भी करेगा। Tour of Thought के इंजन मूवी से भी कभी ऐसा कोई फायदा हो सकता है? Okay boys, it's done. Thank you. Plan ये, फिकर ना करो, बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा इस काम में। नहीं अरे मैं तो मुझे से ऐसे शक्ल छुपा रहा हूं जैसे मुझे उसका उधार देना है, फॉर गॉड सेक। ऐसी की तैसी मैं चाहूंगा, मैं बाहर चाहूंगा। या ऑलराइट, हियर वी गो बॉय, एक कदम की बात है। या ठीक है, स्कूल स्कूल अंदर ही ठीक है। अच्छा एसी है, रिलैक्स। सॉरी, हेलो, हाउ आर यू? सेम टू यू। नहीं नहीं मेरा मतलब कैसे हैं आप? आमना हक जैसा है भाई, जैसा हूँ वैसा ही होना, और मैं कैसा हूँगा? क्या कर रहे थे आप? अभी अभी पड़ोसियों की 3 मुर्गियाँ उठाकर लाया हूँ। बट व्हाई? अब अगवा करने के नेट प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना, हाथ तो मैंने मुर्गियों वगैरह पे खोलना है। बुद्धा जी, आपने वो साकिब सीमेंट वाले को प्रॉपर तरीके से अगवा थोड़ी ना करना है। क्यों? वो मेरी पर्सनालिटी से मुतासर होके खुद ही मेरे साथ आ जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, बंदा अगवा करवाने लगे और कह रहे हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा बॉस कहाँ है? कमरे में है आपने। थैंक यू। दरवाजा बंद करें जी। कबड्डी खेल रहा हूँ। What do you think? वैसे ही टहल रहा हूँ, टहल रहा हूँ। कमरे में अकेले बॉस? हाँ, वो बाहर वो मुदा है ना? तो? कुछ नहीं, बस मैं मुदे को फेस नहीं करना चाहता। But why बॉस? क्योंकि I don't know, मैं जब भी मुदे को देखता हूँ मैं गिल्टी फील करना शुरू जाता हूँ। करने से मना करना ही था तो उस अमरीन को भी मना कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बॉस देखिए ना, बात यह है कि डीप डाउन इनसाइड आई थिंक मुदा रियली वांट्स टू हेल्प यू, ही लाइक्स यू बॉस। और वैसे भी मुदा ये भी जानता है कि अगर वो आपके लिए काम नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा। Really? Exactly. इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपने इस शेल से निकले, तैयार हो, because you have a meeting with Mr. Rahat. Okay? Oh God. Thank you for reminding me. It's all right. Ahmed Rahat. Boss, where are you going? Ahmed Rahat से मिलने? खिड़की से मिलने जा रहे हैं आप? हाँ, खिड़की से ही बाहर जाने का रास्ता है। Boss! दरवाजा। लेकिन मैम, मुदा। दरवाजा। अहमद राहत, बाय बॉस। फाइन। और बे पप्पू किधर? शाहरुख क्यों बन रहे हो? ओरिजिनल करो। नहीं वैसी कोई बात नहीं है, बस इस वक्त तू किचन में नहीं होता। नहीं अजीब सी बात है, मौसम कितना अच्छा है, इस वक्त तू किचन में काम करने का कर रहा है। अब अगर किचन में मुझे काम नहीं है तो मैं क्या जाके चूल्हे पे बैठ जाऊं? नहीं ये तो कोई बात नहीं है। तो तूने खाना खाया? सुबह के 10:30 बजे। 10:30 बजे कौन खाना खाता है? वो पॉइंट, गुड पॉइंट, स्मार्ट मैन। तो चाय चाय पीते? भाईजान मैं आपको बचपन से जानता हूँ, जितने को आप फिक्रमंद हो रहे हैं ना इस वक्त मेरे लिए, इतने अगर आप बचपन से रहे होते ना तो इस वक्त आप जड़ा वाला में होते, कराची में नहीं।
मतलब ये कि एक तो तुमने मुझे इस अगवा वाले ड्रामे में घुसेड़ दिया और उसके बाद तुम मुझसे शर्मिंदगी के मारे मूंछ मारते फिर रहे हो। मैं क्यों मूंछ पाऊंगा? मूंछ पाऊंगा इसलिए क्योंकि तुमने खुद बात नहीं तो वो समरीन पंगे कर दिया। नहीं 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 मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत दफा चाहा कि मैं तुझसे खुद बात करूं लेकिन वक्त नहीं मिला। वक्त नहीं मिला? तुम क्या बालों को ब्लो ड्राई कर रहे थे? ए देख, बालों का मजाक नहीं समझे? रह भी कितने गए जो मैं मजाक करूंगा। अबे ते हेलो पापा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाउ आर यू? हाँ पापा, मुझे पता आपके आने का। क्या एक हफ्ते पहले आ रहे हैं? मगर क्यों पापा? नो आई मीन जरूर आए, ऑफ कोर्स मैं आपकी पेयर को बता दूंगी। जी पापा, ऑल राइट, बाय। पापा एक हफ्ते पहले आ रहे हैं, सारा प्लान एक हफ्ते पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। वो हमने सोचा वो अगवा वाले चक्कर में काम आएगा। मस्त खान बंदा अगवा करना किंग कॉन्ग नहीं जो मैं ये हथौड़ी और ये आरी लेके साथ जाऊँ। ये सही नहीं है, इससे फायदा क्या होगा? यारा स्टाइल मारेंगे, इमेज का जमाना है। तुमने देखा नहीं फिल्मों के अंदर शान भी ऐसे करके खड़ा होता है। इधर दे मुझे। सारे मोहल्ले के सामने इस चीजें तू लेके फिर रहा है, शक करवाएगा हमारे पहले ही। मुदा पा इससे पहले मोहल्ले वाले को शक हुआ जवाब होगा। तुमने से पहले कौन सा गलत काम किया है? वो शेख साहब के मेन गेट के ऊपर 40 वोल्ट का जो बल्ब है रोज कौन चोरी करते है? लो तुसे कर लो गल। क्यों ये गलत काम नहीं? चलो अरे भाई फू, वो लोग मुदे से इतने ज्यादा इंप्रेस हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि अगली कैंपेन में मुदे को रखेंगे। लेजी फोन वालों का ये प्लान है कि अगली कैंपेन में शाहरुख को मुदे के साथ रखेंगे अगर मुदा शाहरुख को मना ले तो। ये तुम कहां घूमो? मैं तुमसे करोड़ों की बिजनेस की बात कर रहा हूँ और तुम कहीं और गुम हो। सर वो अगवा करने के लिए। अगवा? किसका अगवा? अफवाह सर, अफवाह। ये अफवाह भी हो सकती है कि लेजी फोन वाला मुझे इतने खुश है। हा? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उन्होंने चेक मुझे दे दिया है और तुम इसे अफवाह समझ रहे हो। नहीं सर, मेरा मतलब था कि आप फिक्र ही ना करें, इंशाल्लाह ऐसा उठाएंगे कि उठाएंगे। अरे किसको उठाएंगे? कैंपेन को सर, कैंपेन को ऐसा उठाएंगे कि बस सारी दुनिया देख रह जाएगी। आई होप सो। स्टिल फोटोग्राफी बेहतरीन होनी चाहिए, बाकी हमारी तरफ से तुम्हें पूरा तावन मिलेगा। कितना तावन? तावन? अरे यार तावन, ये तुम कभी अगवा कभी तावन कैसी बातें कर रहे हो? बस सर असल में वो लगता है तुम ओवरवर्क हो गए हो। राइट सर, दैट्स इट, यही चीज है। बस सर जब से ये कैंपेन मेरी जिंदगी में आई है बस मेरे रातों की नींद उड़ गई है सर। तो तुम जाकर रेस्ट करो, मैं नहीं चाहता कि इस कैंपेन से पहले तुम बर्न आउट हो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सो स्वीट। अरे हाँ जरा जाते हुए कप चाय का कह देना। जरा लेजी फोन में लाइए। ये मैं क्या कह रहा था अंदर, आई मीन इस अगवा के चक्कर में तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा। ओह गॉड, ये मेरे सामने घंटी कैसी है? हेलो हेलो इफू, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, हम क्या अगवा करने से पहले ही पकड़े गए? नहीं नहीं सुनो तो सही, हमें अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अगवा करने का प्लान बड़ा चीप है। नहीं इफू, अगवा का प्लान चेंज नहीं हुआ, बस टाइम चेंज हो गया है। मतलब ये कि पापा का अभी अभी फोन आया था, वो यूरोप से 3 हफ्ते के बाद नहीं 1 हफ्ते के बाद वापस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ अब हमें उन्हें अगले हफ्ते किडनैप करना पड़ेगा।
नहीं जान, अगले हफ्ते तो बिल्कुल किडनैप नहीं हो सकता। क्यों? अगले हफ्ते तुम्हारी बैंक लूटने की अपॉइंटमेंट है। नहीं, मगर अगला हफ्ता तो बहुत करीब है ना जान। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वर्ल्ड कप खेलना है, जो एक हफ्ता बहुत कम है। नहीं, मगर अभी हमने जो प्लानिंग वगैरह करनी है वो हुआ है। हाँ फू, इसलिए मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ, तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगी। मगर वो देखो इफू, अहवा अगले हफ्ते करना हो या एक हफ्ते बाद, बात तो एक ही है। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, मगर आई नो। अच्छा सुनो, तुम बाकी टीम को सब इन्फॉर्म कर दो, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हारे घर आती हूँ। ओके ओके जान, बाय। ओके जान, बाय। बाकी टीम, जब टीम का कैप्टन मेरे खिलाफ है तो बाकी टीम को खाक इन्फॉर्म करूंगा। What? Next week? ऐसा बोलो। अगर मुझे नहीं सुन लिया तो बॉस, लेकिन नेक्स्ट वीक कुछ ज्यादा क्लोज नहीं है। हाँ तो और क्या, मुझे एक हफ्ते में शूट प्लान नहीं होती, मैं किडनैपिंग कैसे प्लान करूंगा? Oh, by the way, boss, speaking of shoot, आपकी अगले हफ्ते शूट भी, आपको याद है ना? Really? बाहर में गए शूट, मुझे आज जान की पड़ी है तुम शूट की बात कर रही हो। But boss, don't you think we should postpone this kidnapping, you know, like about 4-5 days? हाँ, of course we can. बिल्कुल करते हैं। Really? Cool, boss. है ना? Of course. साकेत सीमेंट वाले को फोन करते हैं, कहते हैं अंकल आप बस 4-5 दिन बाद आ जाइए क्योंकि आपके किडनैपिंग का प्लान हमने मुकम्मल नहीं किया। Good. तो मैं मुदे को किस तरह बताऊंगा? आज सुबह सुबह मेरी जिल्लत करके गया। बस ठीक है, सबसे पहले हमें मस खान साहब को बताना है, क्योंकि अगर मस खान साहब मान गए तो फिर मुदा जी भी मान जाएंगे। Really? You think so? I know so, boss. Nice. अच्छा किया मैं, अच्छा। मैं बड़ा चैंपियन हूँ यार। Oh, excuse me. एक चाय और दो कॉफी ले। What? जोक है ऐसे। वो मुदा जी आप ज्यादा माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं मस खान साहब से एक मिनट बात कर लूँ? हाँ? ले, जिसे बात करनी है वो माइंड करे, मैं क्यों करूंगा। मस्खान साहब एक मिनट। नहीं नहीं, बोलो बोलो, मुदा पा अपना भाई है। मस्खान साहब एक मिनट, आपसे प्राइवेट में बात करनी है। प्राइवेट में? प्राइवेट श्राइवेट को छोड़ो, ये लो 500 काफी। पैसे नहीं चाहिए, बात करनी, बात। ऐसे बोलो ना, बात करनी है। ठीक है, अपना बाबू था, हम अभी आते हैं जरा। हाँ बात कर रही है वो। ठीक है, आई आई प्लीज प्लीज। अगला हफ्ता? हाँ ना, मगर यार अगला हफ्ता तो बहुत जल्दी है। तुमने क्या अगवा करने के लिए टैंक ऑर्डर किया है जो अगले हफ्ते तक पहुंचेगा नहीं? हाँ नहीं, वो हमने अगवा के लिए कोई कपड़े वपड़े सिलवाने हैं ना। कद्दू अगवा तो इन्हीं कपड़ों में भी कर सकता है। वो तो ठीक है, मगर हमको वो प्रैक्टिस करने का टाइम तो दो। मस्खान, तुम अगवा करने की प्रैक्टिस क्या करोगे? बस वो ऐसे ही 2-3 मोटरसाइकिल वालों से मोबाइल छीनेगा, और फिर वैसे भी तो अभी हमने विलन वाला लाइन का तो रिहर्सल किया ही नहीं है। मस्खान, मैं कोई थिएटर प्ले नहीं कर रहा, किस किस में रिहर्सल कराऊं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। वो तो ठीक है, ठीक है ना बॉस। अब देखिए ना, तैयारी करने में जितना टाइम लगेगा, अब जाहिर सी बात है कि फनीजा अहमद से मुलाकात करवाने में उतनी ही देर लगेगी, क्यों बॉस, है ना? तो अभी चले अगवा करने? अब समझ रहा तुम? ओ यार, फनीजा अहमद का नाम पहले लेता तो हम तुम्हारा बात करने से पहले समझ जाता। मस्खान, अभी हमने अगवा नहीं करना, अभी हमने सिर्फ मुदे को तैयार करना है, बाकी प्लान समरीना के हमें बताएगी। तो किधर है समरीना, उसको बुलाओ ना यार। आ रही है, सिर्फ मार्केट तक गई है, हमारे प्लान के लिए जरा कुछ जरूरी चीजें लेने गई है, आती होगी। Okay. कब आएगा समरीना? क्या थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? वैसे मुदापा तुम घबराओ नहीं, हमने सब सूट आउट कर लिए। तुमने अभी सूटा कर लिया, अगवा तो मैंने करना है। अबे भाई, ये सूटा नहीं कह रहा है, सॉर्ट आउट कह रहा है। और ज्यादा इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, मुझे ही पता है। यार मुदापा, तुम टेंशन क्यों ले रहे, हम भी तो तुम्हारे साथ होगा। मस्त खान, किसी बंदे को अगवा करना कोई आसान काम नहीं होता, और वैसे भी अभी मैंने इस अगवाकार वाले रोल के बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। अच्छा, देख मुन्ने, तेरा नाम महमूद चीमा है, आमिर खान नहीं है कि जो तू एक रोल से पहले तक टाइम लगाएगा। इफू भाई सही कह रहा है मुदापा, और वैसे भी काम तो तुमने करना है, चाहे अगले हफ्ते हो या अगला साल, क्या फर्क पड़ता है यार। मगर मस्खान, और देखो यार, देखो ये काम जितनी जल्दी खत्म हो जाए हम सब के लिए अच्छा है, उसके बाद तुम इत्मीनान से अपना वो जड़ा वाला वापस चले जाना। जितनी जल्दी तू कह रहा है ना, उसमें मैं जड़ा वाला नहीं अंदर चला जाऊंगा। यार जब काम ही तुमने करना तो बहस करने का फायदा। वैसे कसम से, अगर मेरा
एक दर्दमंद देना और उस लड़की के रोने की वजह से मान गया था ना, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग मुझे सब कुछ कराओ। यार मान जाओ ना यार, हमारा सलमान खान नहीं है। अच्छा चल ना, अब सोचना बोल। अब अगले हफ्ते करना ना। हाँ जी हाँ, मैं 1,00,000 रुपए जा लूंगा। हेलो, पिछले हफ्ते तुमने कहा था 50,000 रुपए लोगे। वो स्टैंडर्ड रेट था, अब डबल स्पीड पे कर रहा हूँ तो डबल पैसे लूंगा मैं। देख कद्दू, बंदा अगवा करना है, बिजली कनेक्शन लगवानी है तो डबल पैसे लेगा। ए फूफा एक मिनट, आप मत घबराओ, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी तुझे किस बात की टेंशन है, जब अंकल को अगवा करेगा तो 1,50,000 रुपए का तावान मांग लेना, तेरा खर्चा पूरा हो जाएगा। मोटरसाइकिल नहीं निकलवा रहा जो मैं 1,50,000 रुपए मांगूंगा सिर्फ। हम देखते हैं यार। वैसे मुदे सीरियसली यार, जब तुझे शूट के पैसे मिले तेरे तो मुंह को लग गई है भाई। लग गया, अब क्या करूं मैं। Hi, sweetie. How are you? अच्छा सुनो, तुमने इसको अगले हफ्ते का प्लान बता दिया ना? हाँ सुनो, तुमने इसको भी अगले हफ्ते के बारे में बता दिया? क्या? कुछ नहीं जान, बस अब ये कह रहा है कि सिर्फ 1,00,000 रुपए और चाहिए। तो प्लीज दे दो ना, I'm fine with it. मुदा पाप, पहले ज्यादा नहीं मांग सकता था? मोटे पहले नहीं बोल सकता था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें प्लान और डिटेल्स बाद में बताऊंगी, पहले प्रॉप्स पकड़ो। प्रॉप्स नहीं समझता यार, आई किडनैपिंग में हमारा हेल्प करेगा, हथियार छतियार है। ये क्या है? डरो नहीं, असली नहीं है। कम से कम असला तो असली दे देना था। Are you crazy? देखो मैं चाहती हूँ कि ये किडनैपिंग सेफ हो। हिफू, could you come inside with me, please? Anytime, dad. रुको, यार मुदप्पा, ऐसा तो हमने पिछले हफ्ते अपने भतीजे को दिलाया था यार। ये क्या है? तू भारी है? तू बंजर रैंबो।